आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि डीजी पे न्यू अपडेट के बारे में। डीजी पे क्या है कि जो डीजी पे हम लोग 7.1 वर्जन यूज़ कर रहे थे, जो पीसी पे या फिर मोबाइल पे, तो पीसी पे तो या फिर लैपटॉप पे काम कर रहा था, जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मोबाइल एप्लीकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिनों से हम लोग डीजी पे एप्लीकेशन मोबाइल में यूज़ नहीं कर पा रहे थे। फाइनली डीजी पे का अपडेट आ चुका है। हम इसको अपडेट को चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्कैन वाला बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपना बायोमेट्रिक डालेंगे। उसे देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पूरा ओपन हो गया डीजी पे, जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्या आया हुआ, चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और सभी प्रोसेस दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद ये जो लेटेस्ट न्यू अपडेट होता है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, चलिए मैं आप दिखा देता हूँ। हमारे पास देख सकते हैं आप डीजी पे टेक्निकल ग्रुप के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जो कि इसी में लेटेस्ट अपडेट हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऐप का जो लिंक है वो दिया गया हुआ, उस पे एक मैसेज दिया गया हुआ कि आप सभी को सूचित करना है कि डीजी पे मोबाइल एप्लीकेशन का नया वर्जन चालू हो गया है, आप सभी लेन देन शुरू करें डीजी पे में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो एक बटन दिया गया हुआ डाउनलोड का, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे अगर आपके मोबाइल में पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड है तो अपडेट वाला ऑप्शन आएगा, अपडेट करेंगे। अदरवाइज आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं होगा तो इंस्टॉल वाला बटन आएगा। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो हम अपडेट वाला बटन पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना CSC ID डालेंगे। आप यहाँ पे तीन तरीके से ऑथेंटिकेट कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल पे OTP ले सकते हैं, मेल पे OTP ले सकते हैं, या फिर मोबाइल और मेल दोनों पे भी ले सकते हैं। चूज करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, हम मोबाइल पे OTP लेना चाहते हैं, जनरेट वाला OTP वाला बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मेरे रजिस्टर नंबर पे OTP आ गया, वो डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी ये टर्म एंड कंडीशन दिया गया वो हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद स्कैन एंड प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक डालेंगे, जो भी है मेरा डिवाइस लगा उस पर लाइट जल जाएगा, हम उस पर बायोमेट्रिक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेट का ऑप्शन आ रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मेरा एप्लीकेशन फुली तरीके से ओपन हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि ये लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें जो भी आप डेस्कटॉप पे करते थे वो भी सभी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा वर्जन में है, कोई भी इशू आपको अब यूज़ करने में नहीं होगा। तो आप यहाँ से जो भी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, कार्ड, वॉलेट रिचार्ज, पे आउट, पासबुक, और उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं पासबुक वाला बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं जितना लेन देन किया हूँ आज के डेट में वो आपको शो करेगा। जैसे कि मैंने 1500 का टॉपअप किया था, उसका 1500 का कैश आउट किया था, उसके बाद फिर 600 का मैंने टॉपअप किया था, उसके बाद 500 का मैंने कैश विड्रॉल किया था, फिर 100 रुपये का कैश विड्रॉल किया था। इस तरीके से आपको पूरा अकाउंट का पासबुक यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा बैलेंस इंक्वायरी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एप्लीकेशन सही में वर्क कर रहा है। हम बैलेंस इंक्वायरी वाला बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से चूज करेंगे बैंक पे, आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डालें, टाइम एंड कंडीशन दिया गया इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद स्कैन एंड प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बायोमेट्रिक डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पेज वेट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, डीजी पे है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा अकाउंट में बैलेंस है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। डीजी पे जो लेटेस्ट वर्जन में है 8.0A वर्जन में है, जो कि आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा वर्जन है, काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में भी। और आप लोगों को डीजी पे से संबंधित कोई भी मन में कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।